अगर वो प्लस के पास खड़े रहे तो वो इंसान कभी खींच लेगा। तो अभी हम लोग है ना हम्बन टोटा से निकल चुके हैं और अभी हमारा है ना नेक्स्ट स्टॉप होगा त्रिंकुमलाई। बाय बाय हम्बन टोटा। देखो कैसे पीछे से ही है। रील्स वगैरह भी शूट कर लेते हैं ना। व्यू इतना अच्छा है और इतना मजा आएगा। चलो और मेरा ड्रेस बताना कैसे लग रहा है। अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है। चल जल्दी से ले जाए। त्रिंकुमलाई श्रीलंका का और सब लोग है ना जा रहे नीचे घूमने के लिए, तो मैं भी है ना जल्दी से नहा के आती हूँ, फिर हम भी जाएंगे नीचे घूमने। ये है श्रीलंका का त्रिंकुमाली सिटी, जहाँ सेम गोवा के जैसी बीचेस है एंड बहुत ही क्लीन शांत एंड सुंदर है त्रिंकुमाली। चलो फिर मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर हम चलेंगे पूरा श्रीलंका घूमने। लेट्स गो। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर ब्रेकफास्ट करने के लिए। और हाँ यार, अभी है ना हम यहाँ पे 3-4 दिन से है ना शिप पे, तो है ना कृष्णा को पता ही नहीं चल रहा है कि आज कौन सा डेट है और आज कौन सी तारीख है। तो उसको क्या लग रहा है कि उसका बर्थडे ना कल है, पर उसका बर्थडे आज है। तो उसको है ना ये बात नहीं पता कि उसका बर्थडे आज है, लेकिन पापा देखो ना कृष्णा को ऐसे ही लग रहा है कि उसका बर्थडे ना कल है। हाँ, तो अभी अपन उसको क्या करेंगे, बाहर लेके जाएंगे मस्त, उसका बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे श्रीलंका में त्रिकोणमाली में। त्रिकोणमाली बोलते हैं? हाँ, त्रिकोणमाली। नीचे क्यों जा रहे हैं? हाँ? नीचे जा रही है लिफ्ट। बेचारा बच्चा यार, उसको ऐसे ही लग रहा है कि उसका बर्थडे कल है, लेकिन उसका बर्थडे तो आज ही है। तो पापा क्या क्या करना है बताओ तो। अभी उसको बाहर लेके जाएंगे ना अपन। ठीक है चलेगा, उसको बाहर घुमाएंगे, फिर उसको है ना क्रूज पे लेके आएंगे मस्त। उसको पता नहीं चलने देंगे, ठीक है पापा, रात तक। फिर रात को उसको सरप्राइज देंगे कि तेरा बर्थडे आज ही है, कल नहीं है। देखो नीचे जब हम उतरेंगे ना, तब हमारा ऐसे वेलकम करेंगे। बट वेट वेट, जितनी आसानी से हमने आज का क्या क्या करना है डिसाइड किया है, उतनी आसानी से सब कुछ थोड़ी ना होता है। अब हमें क्या पता था कि कृष्णा के बर्थडे पे बहुत ही अलग सेलिब्रेट होने वाला है। क्या यार, लेट कर दिया हमने ब्रेकफास्ट आने के लिए। 9:30 बजे तक ही था ब्रेकफास्ट, अभी खत्म हो गया। कृष्णा ना नीचे चला गया। चला नीचे तो मम्मी, कृष्णा का बर्थडे आज ही है ना, और उसको ऐसे लग रहा है कि उसका बर्थडे कल है। आज हम उसको है ना बाहर
ऊपर गया था डेक पे, लेकिन है ना वहाँ से वो अकेले ही नीचे आया मम्मी को बोल के कि मैं जाता हूँ नीचे रूम में, तो रूम में तो आया ही नहीं, वहाँ चला गया यार ये। ये देखो ये रहा लिफ्ट में नीचे, ये देखो इसको मस्त लिफ्ट में घूम रहा है ये, चल जल्दी आ। मस्ती नीचे ऊपर कर रहा है लिफ्ट में कहाँ गया वो, सबसे नीचे चला गया लिफ्ट से, उसको बोल रही हूँ मैं आ जाओ ऊपर आ जाओ, लेकिन ठीक है उसको भी तो एंजॉय करना है, उसका अलग तरीका होता है एंजॉय करने का। कहाँ गया था, अरे तू बता के नहीं जा सकता क्या? ढूंढ रहा था मम्मा को, मम्मा गायब हो गई थी, तू गायब हो गया था, मम्मा नहीं। चल हर साल कृष्णा के बर्थडे सेलिब्रेशन में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है और उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में बहुत डिफिकल्टीज आती है, पता नहीं क्यों, लेकिन हर साल कृष्णा का बर्थडे कुछ अलग ही सेलिब्रेट होता है। देखो इस साल हम कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तो क्रूज पे आए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस साल उसका बर्थडे नॉर्मली सेलिब्रेट हो। तो इस बार मम्मी को बाहर नहीं जाना था क्रूज से, एंड क्रूज पे ही कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, क्योंकि मम्मी का बहुत पेट दर्द हो रहा था और पापा को गुस्सा आ गया और पापा कृष्णा को लेके निकल गए। बच्चे दीदी और मामा नहीं आ रहे तो अपन दोनों ही चले जाएंगे, ठीक है? ठीक बा? ठीक, अपन दोनों तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बाहर बैठे। तो पापा और कृष्णा ना ताव ताव में निकल लिए शिप से बाहर घूमने के लिए, क्या है ना पापा ऐसे ही हमको है ना गुस्सा कर रहे थे, इसलिए ना मैं और मम्मी बात ही नहीं कर रहे पापा से, मैंने नहीं बात की इस बार पापा से, क्योंकि यार इस बार पापा की गलती थी ना, मैं क्या करती, तो जाने दो उनको, हम नहीं जा रहे पापा के साथ बाहर। आएंगे बच्चे, मामा और दीदी आ जाएंगे, पर वो दिख रहे ना, हम तो बाहर आ गए लेकिन उन्हें दिख रहे ना। आ रहे? थोड़ी देर के लिए हमको लगा कि पापा और कृष्णा शिप से बाहर नहीं जाएंगे हमारे बिना और शिप में ही घूम के वापस आ जाएंगे, बट वो सच में शिप से बाहर चले गए। यार मैं ना मम्मी को ढूंढ रही हूँ, मम्मी है ना ऊपर आई थी अकेले, मेरे को बोली कि है ना तू रेडी होने के बाद मैं ऊपर आ जा, अभी मम्मी दिख ही नहीं रही है यहाँ पे, मम्मी को ढूंढना पड़ेगा पहले। जे तेरा बर्थडे कब है? कल। नहीं, तेरा बर्थडे आज है, आज। सच में तेरा बर्थडे सच में आज है पगले, अपन है ना तेरा बर्थडे अपन दोनों सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? हाँ, उनको जान दे, उनको बैठने दे वहाँ पे, उनको नहीं जम रहा मेरे साथ में यहाँ बाहर आने का, किरकिरी कर रहे वहाँ पे, उनको किरकिरी करने दे वहाँ पे बैठ के, अपन दोनों तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बच्चे, ठीक है? वो भी श्रीलंका में त्रिकोमाली में, ठीक है? हाँ, शाबाश। हमें क्या पता था पापा कृष्णा को बाहर अच्छी खासी पट्टी पढ़ा रहे होंगे, अब हम समझ गए थे कि कृष्णा एंड पापा सच में शिप से बाहर चले गए एंड हम उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे फोन के सिम यहाँ नहीं चलते और उन दोनों को बाहर जाके कहाँ ढूंढेंगे। बर्थडे मनाने के लिए है ना, कहाँ पे जा रहे नहीं मालूम तेरे को? हम जा रहे हैं त्रिकोणेश्वरम टेंपल, महादेव के मंदिर में। दीदी है ना यार आज तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है मेरा, बहुत हेडेक हो रहा है, तो मैंने मम्मी को ही बोला कि आप ही चाय लेके आ जाओ। मुझे पता है कि पापा और
कृष्णा दोनों ना बाहर जाके बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन ठीक है ना, हम भी कोई कम नहीं है, हम भी यहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे। पापा को शिप निकलने से पहले तो आना ही पड़ेगा ना, कृष्णा का बर्थडे तो रात में ही सेलिब्रेट करेंगे ना हम शिप पे। देखो तो मम्मी क्या लेके आई है, क्या लाए हो? चाय लेके आई हूँ, नाश्ता। चाय के साथ पकौड़े और बिस्किट लेके आई है मम्मी। देखो कृष्णा और पापा जैसे बाहर से आएंगे ना तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हमने ऐसे एंजॉय किया, वैसे एंजॉय किया, तो हमने ना बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है? ठीक है। ये चीयर्स मम्मी, चीयर्स। पता है किरण क्या कर रहे? लेकिन हमें क्या पता था कि पापा एंड कृष्णा का एंजॉयमेंट बहुत ही अलग होगा। बुला उनको। कैसे बुला? ए हिरन। कैसे बुलाएंगे हिरन को? ए हिरन। पापा जानते हैं कि हिरन को अपने पास कैसे बुलाना है। अब हमको सच में जलन हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम ना पूल में आके पानी में थोड़ा खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, तो क्या है थोड़ा हेडेक होना भी बंद होगा। मम्मी का और मेरा, हम दोनों को बहुत हेडेक हो रहा है। अपन तेरा बर्थडे यहाँ पे महादेव के साथ मनाएंगे, ठीक है? बोलो हर हर महादेव। कृष्णा और पापा इतने बेस्ट प्लेस पे गए थे कि अब हमको बहुत पछतावा हो रहा था कि हम उनके साथ क्यों नहीं गए, लेकिन इसमें भी पापा की गलती है, वो हमको बिना बताए चले गए। बहुत गर्म है वो। हर हर महादेव बच्चे, हर हर महादेव। शाबाश। मैंने मांगा, मेरे बच्चों ने जो मांगा वो उनको दे दे, मैंने ये मांगा बच्चा। बच्चा चल वहाँ पे, अपन तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, चल। तो मम्मी ने और मैंने ड्रेस चेंज किया और स्विमिंग वाला सूट पहन लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर 10th फ्लोर पे स्विमिंग करने के लिए। मम्मी एक्साइटेड? यस। मल्लिका तिरुकोनेश्वरम का महादेव का मंदिर, और ऐसा कहा जाता है कि रावण महादेव की पूजा यही करते थे और महादेव ने भी रावण को यही दर्शन दिए थे। पापा हमें जानबूझ के नहीं लेके गए थे, बट हम भी क्या करते ना, आने दो उनको, वापस हम कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा।
ए हिरन, जा तू तेरे दोस्तों को बुला के लेके आ, तो तेरे को हम कैरी खिलाएंगे, कैरी। लगा हाथ। तो क्या हिरन सच में अपने दोस्तों को बुला के लेके आएगा कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? अभी अपन बैठ के हिरन के साथ में खाएंगे कैरी। ये ले हिरन, कैरी खा। शाबाश, तू खिला बच्चे, हिरन को कैरी खिला, दे उसको, खाता हूँ। हाँ शाबाश, और थोड़ी कैरी खा। इसके अंदर चींटी घुस रही है। ये सब कुछ है ना, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग। और खाने का, और खा। ये सारी नहीं चटकर रहेगा। अरे हमको भी काम देना। उसको भी खिला। अच्छा एक बच्चा आइसक्रीम, चलो बीच पे चलने का, चल फिर आजा बीच पे जाएंगे बच्चे। अरे बच्चे पूरा एकदम टैन हो जाएगा, काला हो जाएगा तू। क्या है ना बच्चे, तेरी माँ की है ना और मेरी थोड़ी सी किरकिरी हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तेरा बर्थडे खराब होगा। हैप्पी बर्थडे बच्चे, पापा को भी खिलाओ। हैप्पी बर्थडे पुत्र, जा मस्त खेल तू पानी में। पापा है ना जानबूझ के हमको नहीं लेके गए थे, ताकि है ना वो आके हमको बता पाए कि उन्होंने ना बाहर कितना एंजॉयमेंट किया। हो गया क्या फिर तेरा पानी में खेल के? हाँ मजा आया क्या? अपन भी बनाने का क्या समुद्र के बाजू में घर? हाँ। फिर क्या करेगा तू शाम को? शाम का मैं चले आऊंगा नहाने के लिए। रोज शाम को जाया करेगा नहाने के लिए? हाँ। पर बच्चा अपन समुद्र के बाजू में नहीं रहते ना? हाँ पापा, रहते बड़े गांव में। चलो ठीक है, चलो अभी। हाँ चलो। चल बच्चे, अच्छा मनाया ना मैंने तेरा बर्थडे, महादेव के साथ में, नंदी के साथ में, हिरन के साथ में, समुंदर के साथ में, है ना? मजा है ना तेरे को? और कुछ चाहिए तेरे को? नहीं। ठीक है बच्चे, शाम को देखेंगे, शाम को भी है ना शिप के ऊपर तेरा बर्थडे और अच्छे से मनाने की कोशिश करेंगे। बच्चे ममा और दीदी अभी क्या कर रहे होंगे? बड़े वाले होंगे। हाँ, और हम कितना एंजॉय करके आए, और उन्होंने इतना अच्छा मौका मिस कर दिया। हाँ ये लो खोलो। तो हो गया हमारा जकूजी में एंजॉय करके, बहुत मजा आया यार। अभी है ना मैं और मम्मी नीचे चलते हैं, चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, फिर से ऊपर आएंगे। ठीक है? अरे तो है नहीं यहाँ पे। हाँ कहाँ गई है दोनों? कहाँ गई है? जरूर ये दोनों खाना ठूसने के लिए गए होंगे। अभी हम कहाँ पे थे? अभी हम त्रिंकी मली में थे। अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। अभी गाइस हम यहाँ से निकल चुके हैं और हम कल पे कल होंगे हम चेन्नई की जमीन पे। चेन्नई में होंगे भारत की जमीन पे। और आज शाम होगा तेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन। छोटी छोटी पेस्ट्री को कट करेंगे और हैप्पी बर्थडे टू यू मनाएंगे तेरा, है ना? दीदी और ममा अपने से बात नहीं कर रहे, है ना? मत बात करने दे, हम दोनों बर्थडे मनाएंगे। हाँ अपन ये वीडियो रिकॉर्ड करके तेरे इंस्टाग्राम पे डालेंगे। अरे हम हमारा रिकॉर्ड करें, हम हमारे इंस्टाग्राम पे डालेंगे। अभी ना हम लोग जा रहे हैं नीचे सेकंड फ्लोर पे, मेडिकल इमरजेंसी है। क्या है ना इस पर मैं ना सैनिटरी पैड लाना ही भूल गई, तो पैड
बैग चाहिए था और इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गई। देखो नेक्स्ट टाइम से है ना मैं कपड़े कम लू या ना लू लेकिन है ना मैं सैनिटरी पैड जरूर लूंगी। चलो आगे के हम सेकंड फ्लोर पे चलो। फाइनली ये मुझे मिल गया यार। ये गर्ल्स के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये है ना हमेशा कैरी करना चाहिए गर्ल्स, कभी भी कहीं भी इमरजेंसी में लग सकता है। चलो चले चलो चले फास्ट चल रहे। कितने रुपए में लाई है? 290 इंडियन रुपीस में। 290 रुपीस कितने का आई है? उस पे 90 रुपीस प्राइस लिखा। और इसका बिल? बिल नहीं लाया मैंने। चलो बिल लेके आना था। चलो देखेंगे बिल। बिल लेके आना था ना। चल बिल लेके आ। चलता मैं अभी बिल लेके आ। ला दो मैं। यार मैं इसका बिल लाना ही भूल गई है। मुझे है ना 290 रुपीस का पड़ा है इंडियन रुपीस में और इस पे प्राइस है ना 90 रुपीस है। कितना लिखा है? 2.50 डॉलर। लेकिन इसके सामने ना डॉलर का साइन नहीं लगाया उन्होंने। हाँ। यानी कि ये 90 रुपीस का उन्होंने अपने को 2.50 डॉलर। चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर डेक पे कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेट करने। बर्थडे कृष्णा का है लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा ही बर्थडे है। मम्मी नेक्स्ट ईयर मेरा बर्थडे भी क्रूज पे ही मनाएंगे ठीक है ना? हाँ ठीक है बहुत मजा आएगा सबके साथ आएंगे क्रूज पे। हाँ फुल फैमिली के साथ आएंगे और चिकू भी तब तक बड़ा हो जाएगा ना, वो समझदार हो जाएगा तब तक। चक्कर आती है बहुत ज्यादा चक्कर आती है और ऊपर से ना शिब्बे ऐसे हिल रही है ना, वेव्स आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े तो इसलिए और ज्यादा चक्कर आ रही है। देखो ना यार आज मेरे फेवरेट मंचूरियन है लास्ट डे आज, और आज मेरे फेवरेट मंचूरियन बनाया। हाँ चलो अभी खाना तो हो गया, अभी कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। देखो मैंने ना पेस्ट्री भी ले लिया, ये छोटी छोटी पेस्ट्री कट करेंगे बहुत मजा आएगा। यार मैं आप सबको क्या बताऊँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरा ही बर्थडे लेके आ रहा है। सेलिब्रेशन के लिए क्योंकि हर साल कृष्णा के बर्थडे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बारिश आ जाती है तो कभी कुछ हो जाता है, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि कृष्णा का बर्थडे क्रूज पे ही होगा समंदर के बीचों बीच और वो भी 4-5 दिन का एंजॉयमेंट। अरे अभी तो रुको, अभी तो डांस फ्लोर पे जाके डांस भी तो करना है। यादगार था। कृष्णा का बर्थडे मेरे और चिकू बेबी के बर्थडे से भी बहुत बड़ा था क्योंकि कृष्णा का बर्थडे इंटरनेशनल बर्थडे था। तो कल है हमारा क्रूज का लास्ट डे, तो कल मैं आप सबको कॉर्डेलिया क्रूज का फुल टूर कराऊंगी और हमारे क्रूज के ट्रिप का कितना खर्चा आया वो सारी डिटेल्स आप सबको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो।